सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम के रील्स के वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने गैलरी में उसको सेव कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी इंस्टाग्राम के रील्स को देखते हो और वह आपको पसंद आ जाता है तो उसको क्या करते होगे, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाते होगे। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल इजी और जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपने फोन स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम के रील्स को डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस छोटा सा ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप रील्स को देखते हो तो यहाँ पर सिंपली से रील्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ रील्स आ गए, इसके साउंड को मैं कम कर देता हूँ। तो इस यह जो रील्स यहाँ पर आया हुआ है, इस रील्स को अगर आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हो, इन सब के रील्स को, तो आपको क्या करना है कि आप जिस भी रील्स को यहाँ डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके सामने एक शेयर का एक बटन आता होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर सिंपली से शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप शेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐड टू योर स्टोरी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपने स्टोरी में नहीं लगाना, बस इसके ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये आपका स्टोरी आ जाएगा। तो यहाँ पर यह वीडियो आ चुका है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको आपको जूम आउट करना और अपने पूरे स्क्रीन में इसको फिल कर लेना है। तो ऐसे मैं इस तरह इसको लगा लेता हूँ, तो देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पर अभी पूरा फिल कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ऊपर में एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली से डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे थोड़ा देर यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर जो आपका वीडियो होगा वो यहाँ पर सिंपली से सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह जो वीडियो है वो मेरा गैलरी में जाके सेव हुआ या कि नहीं। तो यहाँ पर मैं अपनी गैलरी में आ जाता हूँ, तो यहाँ से आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो कि यह जो वीडियो है मेरा यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें साउंड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर उस साउंड को अभी बंद करके रखा था। अब जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, वहाँ से डाउनलोड करोगे, तो आपको क्या करना है, वहाँ से सिंपली से आपको वह जो साउंड यहाँ पे दिखेगा इसको यहाँ पर आपको इनेबल कर लेना है। फिर यहाँ पर जो आपका साउंड रहेगा वह जब इनेबल हो जाएगा तो आप इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो यह जो वीडियो रहेगा वह साउंड के साथ आपको डाउनलोड होकर दिखेगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल सिंपली से अपने वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।